करा, साइड करा, साइड करा। लेडीज है, लेडीज है, जाए जाए जाए, लेडीज है। सामने देखो शिकरे खड़े हैं। गाड़ी घुमाने की भी जगह नहीं है यहाँ से। अच्छा फिक्र मत कर, आंखें बंद करो और निकल। शीशा चढ़ा, शीशा चढ़ा, तू चढ़ा, शीशा चढ़ा, जल्दी कर। चोरों के साइड पे लगाए इसको, साइड पे लगाओ, साइड पे लगाओ, यहाँ पे साइड पे लगाओ। रुको रुको, गाड़ी निकल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ, भागो भागो, जल्दी बैठो बैठो, जल्दी बैठो, आ जाओ जल्दी, आ जाओ, चलो गए, गाड़ी के भी चलो, गाड़ी के लिए भी चलो, लो गाड़ी के निकल। आगे क्यों थे? सर हम भागे नहीं थे। तो हाथ देने पर गाड़ी रोकी क्यों नहीं? हमने देखा नहीं। अंधे हो या इश्क लड़ा रहे थे? क्या रिश्ता है तुम दोनों का आपस में? वो सर हम मियां बीवी हैं। बीवी तू है या ये? हर सवाल का जवाब तू दे रही है, गूंगा है क्या? क्या नाम है तेरा? शहजाद। गाड़ी किसकी है? सर हमारी गाड़ी है। गाड़ी के कागजात कहाँ हैं? वो गाड़ी में ही होंगे। अच्छा गाड़ी में होंगे, तुझे नहीं पता। और इसका लाइसेंस? नहीं है। तो साथ क्यों रखा हुआ है? वो सर अपनी हिफाजत के लिए। अच्छा अपनी हिफाजत के लिए। गाड़ी की फौरन तस्दीक करवाओ किसके नाम पर है, और इन दोनों से अलग अलग तफ्तीश करो, मुझे फौरन रिपोर्ट करो। यस सर। सर हमसे गलती हुई जो हम रुके नहीं, आइंदा ऐसा नहीं होगा, हम जुर्माना देने के लिए तैयार हैं। जो कहना है इन लोगों से कहना, ये बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हारी बात कान लगा कर सुनेंगे। ले जाओ इन्हें। पुलिस के मुताबिक कार लिफ्टिंग की वारदातों में कुछ अरसे से काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा था, और आए रोज कराची के मुख्तलिफ थानों में कारें छीनने और चोरी किए जाने के मुकदमात दर्ज हो रहे थे, जिस पर आला हुकाम ने नोटिस लेते हुए एंटी कार लिफ्टिंग सेल को सख्त चेकिंग की हिदायत की। यकम मई 2011 को चेकिंग के दौरान ईस्ट जोन पुलिस ने एक मशकूक गाड़ी को रुकने का इशारा किया, जिस पर ड्राइवर ने पुलिस को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से फरार होने की कोशिश की। तहम पुलिस ने उसका ताकुब करके काफ़ी देर बाद उस गाड़ी को रोका, तो उसमें से एक लड़की हुमा और शहजाद को हिरासत में लिया गया। पुलिस को इब्तदाई तफ्तीश के दौरान दोनों के बयानात पर शक गुजरा, जिस पर कार की इंक्वायरी कराई गई, और जब मुल्जिमान से ज़रा सख्ती से तफ्तीश की गई तो उन्होंने बताया। हाँ भाई बीवी के सामने तेरी जबान तो बंद थी, इसलिए मैंने उसको दूसरे कमरे में भेज दिया। वो मेरी बीवी नहीं है। अब वो तो कह रही थी वो तेरी बीवी है, जब तूने इनकार क्यों नहीं किया? सर इस कार की तफसीलात मिल गई हैं। ठीक है। गुज़श्ता रोज़ ये कार छीनी गई थी और मुकामी थाने में सर इसकी रिपोर्ट दर्ज है। ठीक है। और इस वारदात के दौरान एक औरत भी मिला। ठीक है, थैंक यू।
इस कार को छीनने वालों में खातून भी शामिल है। अब बोल क्या कहते हैं तू। अब अगर तूने झूठ बोलने की कोशिश की ना तो याद रख बच्चू, अपनी खाल उतरवाएगा खाल। बताता हूँ सब कुछ, बताता हूँ। ये बता वो लड़की कौन है तेरी? वो हमारे गुरु की सरगन है। और कितने लोग हैं तुम्हारे गुरु में? तकरीबन 10 लोग हैं, सब अलग-अलग काम करते, माल एक जगह बेचते। इससे पहले पकड़ा गया कभी? इसका मतलब पक्का कारीगर आदमी है तू। इसकी रिपोर्ट लिखो तफसील के साथ, पूरी तफसील के साथ अपना बयान देना। और याद रख, अगर जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश की ना तो मैं तो तेरे साथ रियायत कर दूंगा। ये नहीं करते, ले जाओ इसे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसने बताया कि जी उसने और गाड़ियां भी ली हैं, चोरी की हैं, जो चोरी करके उसने पूरी बंगश के पीछे एक गोदाम लेके वहाँ पे डंप की हुई है। इनका अपना तरीकाकार ये होता है कि वो गाड़ी की चेचिस जो है उसको रिमूव करेंगे, नंबर प्लेट जाली बनवाएंगे, फैंसी नंबर प्लेट लगवा लेंगे। क्वेटा में जाली बुकें आसानी से मिल जाती हैं, वहीं से ब्लैंक बुक लाएंगे, उस पर नंबर लिखेंगे, मोहरे ओहरे उस पर लगी हुई होती है, उसके बाद लेके चले जाते। शक्ल से तो बहुत सीधी लग रही है तू, लेकिन जानती हूँ मैं तुझे, इतनी सीधी तू है नहीं है। क्या कहा था तूने कि ये गाड़ी तेरी है? जो सच था मैंने बता दिया। जो सच था वो तूने बता दिया। झूठ बोलती है ये कागज क्या कह रहा है? वो गाड़ी तूने और तेरे साथियों ने छीनी है। बता तेरे साथी कहाँ है और तू कब से ये काम कर रही है? मैंने कहा ना मेरे कोई साथी नहीं है, ये मेरी पहली वारदात है। जितना सच तू बोलती है ना वो मुझे भी पता है। तूने कहा था कि शहजाद और तुम दोनों मियां बीवी हो, कहा था ना? बहुत शौक है तुझे दूसरों की बीवी बनने का, बहुत कबारे बैठे हैं यहाँ पर, समझी तू किसकी बीवी बनेगी? और यार को शौहर कहती है, शर्म नहीं आती तुझे? ले जा को। झूठ बोलने का अंजाम अब इसे पता चलेगा। पुलिस के मुताबिक हुमा बजायर एक कमजोर और सीधी सादी सी लड़की नजर आ रही थी और पुलिस को उम्मीद थी कि वो गिरोह के तमाम राज जल्द खोल देगी, मगर ये पुलिस की भूल थी। मसूका कार की तमाम तफसीलात सामने आने के बाद भी हुमा ने कुछ नहीं उगला और सख्त तफ्तीश भी उसका कुछ ना बिगाड़ सकी और वो अपने बयानात बार बार तब्दील करती रही। अलबत्ता मुलजिमा का साथी शहजाद उर्फ मुगल पुलिस के सामने जल ढेर हो गया और उसने तमाम तफसीलात बता दी। पुलिस हुमा से उगलवाना चाहती थी, इसलिए SHO ने अपना जरीखा अपनाते हुए उससे खुद तफ्तीश का फैसला किया। सर बैठे। थैंक यू सर। हाँ भाई, क्या रहा? बयान कलमबंद कर लिया है सर। तो मान गया आसानी से? बस सर, हल्की फुल्की मौसीकी से तो मान ही गया था, बाकी सब कार की तफसील सामने आई तो मानना ही था। अच्छा, गुड। तो अपने गुरु के बारे में बताया कुछ? सर तफसील तो बयान कर दी है, मुझे लगता है कि ये सच बता रहा है। वैसे इसके बयान के मुताबिक गुरु की सरगना हुमा ही है। अच्छा, तो हुमा ने कुछ बताया? बहुत पक्की औरत है सर। क्या मतलब? कुछ भी नहीं बता रही, कहती है कि ये मेरी पहली वारदात है। तो तुमने अपने तमाम तरीके इख्तियार करके देख लिया? सब कुछ करके देख लिया सर। बहुत बर्दाश्त है उस औरत में, अगर किसी मर्द के साथ ऐसे हुआ होता ना तो वो फर फर बोल उठता। तुम ऐसा करो कि क्या सर, कुछ लोग जबरदस्ती भी जन्नत जाने के लिए तैयार नहीं होते और कुछ प्यार से दोजख जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सर मैं कुछ समझी नहीं। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। आराम से।
देखो उमा, अब तक तुमने जितना भी झूठ बोला उसका तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे साथी ने हमें सब कुछ बता दिया, हत्ता के तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। क्या बताया उसने? यही कि तुम दो बच्चों की माँ हो और कयूमाबाद में रहती हो। हमारे पास सब मालूमात है, बस मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि कोई मजबूरी ही तुम्हें इस तरफ लाई हो। पानी लेकर। देखो उमा, सच बताना ही तुम्हारे लिए बेहतर है, और इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो कुछ बताओगी सच ही बताओगी। पानी पी। अच्छा बताओ, शाबाश। जो भी उसने कहा उसने सही कहा, बाकी मैं दो बच्चों की माँ। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमा हुमा पुलिस की सख्ती के बावजूद भी कुछ बताने पर राजी नहीं थी। एसएचओ ने जब हमदर्दाना रवैया इख्तियार किया और उससे प्यार से पूछा तो वो आंसुओं पर काबू ना रख सकी और उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। उसने बताया कि वो एक गरीब घर की लड़की है और 3 साल कब कयूमाबाद में रहायश पजीर थी, जहाँ उसको उसके पड़ोसी लड़के अरशद से मोहब्बत हो गई और घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हुई, जिसके बाद हुमा और अरशद दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से रहने लगे। लेकिन कौन? अरे खोलो भाई। आती हूँ। दरवाजा खोलने में बड़ा टाइम लगा दिया आपने, आज बहुत देर कर दी। अरे भाई अपना तो काम ऐसे ही है, वैसे अपने काम में कोई पाबंदी तो है ही नहीं टाइम की। अच्छा वैसे काफी थके हुए लग रहे हैं, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे मेरी जान इधर आप बैठ तो सही है। देख मैं तेरे लिए आज क्या लाया हूँ, ये देख। ये तो बहुत खूबसूरत है, ये तो मैं रखूंगी। और ये देख। ना ये मैं तुझे नहीं दूंगा, अपने हाथों से पहना। ले पहना। इनकी सही जगह यही है। अच्छा इनके लिए ना खूबसूरत होना भी जरूरी है। मैं ली कुछ चैली पहन लेती हूँ। चादर हटा। आप बताएं कैसी लग रही हूँ? वैसे ये ली कहाँ से? अरे बाबा तू आम खाया कर, पेड़ गिनना छोड़ दे। शादी ना हुई होती ना तो सिर्फ आम खाती, शादीशुदा हूँ पेड़ गिनने पड़ते हैं। वैसे भी आपने कहा था कि शादी के बाद मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। वो तो मैं अब भी कह रहा हूँ छोड़ दूंगा, लेकिन प्यार के दिन सिर्फ प्यार से गुजारने में। वैसे भी आजकल मोहब्बत पैसे से चलती है, जिस दिन जेब में पैसा ना होगा ना उस दिन तेरे हाथ में बेलन होगा और मेरे हाथ में जूती। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, आपके लिए चाय बना दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमा हुमा को शादी से पहले ही पता था कि उसका शौहर अरशद डकैत है, तहम वो मोहब्बत में अंधी हो गई थी और उसने अपने घर वालों को राजी करके अरशद से शादी कर ली। हुमा ने मजीद बताया कि इस दौरान 3 साल का अरसा गुजर गया और वो दो बच्चों की माँ भी बन गई। उसने अपने शौहर अरशद को डकैतियों से कई बार मना किया, तहम वो उसे टाल जाता और बिलाखिर वो एक मुकदमे में गिरफ्तार हो गया। हुमा ने बताया कि उसके गिरफ्तारी के बाद घर में तंगदस्ती और फाकों की सूरत पैदा हो गई और वकील अरशद की रिहाई के लिए 13,000 रुपये मांग रहा था जो उसके पास नहीं थे, और वो अक्सर अरशद से जेल में मिलने भी जाया करती थी। चल बैठ अरशद, तेरी मुलाकात आई है, चलो बीवी।
कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू सुना? बच्चे कैसे? बच्चे भी ठीक हैं, तुम्हें बहुत याद करते हैं। क्या तू वकील के पास गई थी? क्या कहता है वो? कहना क्या है, कहता है पैसों का बंदोबस्त कर। मैं यहाँ लॉकअप में बंद हूँ, उसे पैसे की पड़ी है। क्या काम तो हो जाएगा ना? कहता है जमानत हो जाएगी, लेकिन पहले पैसे। ओ, बहुत। तूने उससे कहा नहीं? अर्शद आएगा, सारे पैसे तेरे अदा कर देगा। क्या वो मुझे जानता नहीं है? मैंने बोला था, लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी फीस तो बाद में ले लूंगा, लेकिन जो खर्चा होगा वो तो दो। बहुत अर्शद, बुरे टाइम में सब साथ छोड़ जाते हैं, अपने भी। जब अच्छा वक्त नहीं रहा ना, तो बुरा भी नहीं रहेगा। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अब पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करूँ? तू ऐसे कर, मेरे एक दोस्त है मस्ती खान, तू जा उसके पास और उससे मेरा जिक्र कर और मेरे बारे में बताओ। अर्शद, कोई दोस्त वोस्त नहीं होते ऐसे टाइम पे, सब खाने वाले होते हैं, लगाने के टाइम पे कोई नहीं आता। तू पहले से पहले ही ऐसी बातें कर देती है, तू जानती है उसको? वो यारों का यार है, यारों का यार। तू जा उसके पास, जरूर कोई ना कोई रास्ता बता देगा। ठीक है, तू कहता है तो चली जाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ये काम करेगा। चल बीवी चल, टाइम खत्म हो गया है। वाह संतरी बादशाह, कुछ तो ख्याल कर ले यार। अबे रहने दे, कभी तूने मेरा ख्याल किया है? ये तो मेरी मेहरबानी है, इसे तुझसे मिलने देता हूँ। एक दफा मुझे बाहर निकलने दे, तेरा शिकवा भी दूर कर दूंगा। अबे बाहर जाके कोई वापसी नहीं आता है। चल ठीक है, जल्दी बात कर ले, साहब गश पे आने वाला है। अच्छा ठीक है, जैसा तुझे बताया तू वैसे कर। ठीक है। इधर जरा मुस्कुरा दे, सब ठीक हो जाए। अपना ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। पुलिस के मुताबिक जेल में अर्शद से मुलाकात के बाद हुमा अर्शद के बताए हुए पते पर उसके दोस्त मस्ती खान से मिली और मस्ती खान ने उसे सद्दीक कमांडो से मिलवाया, जो खुद एक कार लिफ्टर था। सिद्दीक भाई, इसका नाम हुमा है, इसका शौहर जेल में बंद है, इसे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। किस केस में बंद है? सिद्दीक भाई, इसका नाम हुमा है, इसका शौहर जेल में बंद है, इसे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। किस केस में बंद है? वो जी डकैती के केस में। ओ अच्छा, यानी हमारी बिरादरी की है, काम करोगे हमारे साथ? इसीलिए तो मिलवाया सिद्दीक भाई, इस गरीब को पैसे की ज़रूरत है और आपको काम करने वाली लड़की की ज़रूरत है। हाँ लड़की की तो हमें ज़रूरत है, जो हमारे साथ काम कर सके और उससे हमारा काम भी काफ़ी आसान हो जाएगा। देखो माँ, इस दुनिया में भीख भी बहुत मुश्किल से मिलती है, हाँ अगर तुम में हिम्मत है, जोश है, तो तुम किसी की भी ऐसी की तैसी करके अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकती हो। तुम्हें इसने हमारे काम के बारे में तो बता ही दिया होगा। जी मस्ती खान ने बताया था। तो फिर क्या ख्याल है, काम करोगे हमारे साथ? जी मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मिलाओ हाथ। मिलाओ मिलाओ। जो हमारे साथ काम करता है वो हमारा होता है, सिर्फ हमारा। हुमा के मुताबिक मस्ती खान ने उसे पहले ही बता दिया था कि सद्दीक कमांडो एक कार लिफ्टर है, इसलिए वो ज़हनी तौर पर तैयार होकर गई थी और वैसे भी उसे पैसों की इतनी सख्त ज़रूरत थी कि उसने सोच लिया था कि पैसों के लिए जो कुछ भी करना पड़ा वो ज़रूर करेगी। पहली मुलाकात में हुमा को सद्दीक कमांडो ने बताया कि वो गाड़ियाँ छीनने का काम करता है,
और उसका काम गाड़ियां छीनकर उसके बताए हुए मुकामात पर पहुंचाना होगा, जिसके एवज वो उसे 10,000 रुपये देगा। और इस तरह हुमा ने पहली वारदात सद्दीक कमांडो और मस्ती खान के साथ मिलकर जौहर मोड़ पर की। कराची क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, यहाँ गाड़ियों की इस वक्त जो तादाद रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद है वो 30 लाख से ज़्यादा है। 31 लाख के करीब गाड़ियाँ कराची शहर में रजिस्टर हो चुकी हैं, वो यहाँ अवेलेबल हैं और डिफरेंट गैंग्स जो हैं उन्हीं गाड़ियों को हिट करते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं और यहाँ से चोरी या स्नैच करने के बाद कराची से बाहर ले जाते हैं। मुल्ज़िम हुमा ने दौरान तफ्तीश बताया कि ये उसकी पहली वारदात थी जिसमें इन लोगों ने बगैर असलह के बासानी गाड़ी छीन ली थी। हाँ मस्ती खान, तबली आई, कैसा किया? बनाया? आजा 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 आगे आजा। वारदात के बाद मुल्ज़िम सिद्दीक कमांडो ने उसे 10,000 एडवांस देकर उसे अपने घर सईमाबाद तक ड्रॉप किया। आजा। हुमा तू आ गया। क्यों, कैसा लगा हमारा काम? मुझे तो बहुत मजा आया, असले की नौबत भी नहीं आई। कभी असले से और कभी अकल से छीननी पड़ती है, यही हमारा कमाल है प्यारी। मुझे तो बेचारे पे तरस आ रहा था, अब जाके रिपोर्ट लिखवाएगा। तू तरस को छोड़ और ये ले, ये ऐश कर। हमारे साथ रहेगी तो यूं ही ऐश करती रहेगी प्यारी। चल तुझे घर छोड़ देता हूँ। चल। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमा हुमा ने दौरान तफ्तीश बताया था कि उसे शौहर की रिहाई और बच्चों की किफालत के लिए पैसे चाहिए थे, जिसके बायस उसने ये राह इख्तियार की। तमाम हकीकत इसके बरक्स थी क्योंकि उसके शौहर को सजा हो चुकी थी और रिहाई का सवाल ही पैदा नहीं होता था। और पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमा हुमा ने इब्तदाई तफ्तीश में खुद को मजबूर और मजलूम जाहिर करने की कोशिश की थी, ताहम उसके साथी शहजाद मुगल ने पुलिस को सब कुछ सच सच बताया। उसने बताया कि मुल्ज़िमा हुमा बहुत होशियार और चलाक लड़की है और इस गुरोह की सरगना भी वही है। मुल्ज़िम शहजाद ने पुलिस को मजीद बताया कि तमाम वारदातों की प्लानिंग हुमा खुद करती थी और जगहों का जायजा लेने के बाद वो लोग नई गाड़ियाँ छीना करते थे और हुमा की इसी होशियारी के बायस वो गुरोह पर छा गई थी और अब गाड़ियां छीनना उनके लिए मामूली सी बात थी।
जीआर ग्रुप जो खवातीन का सहारा लेते हैं और वाहिद ग्रुप है जिसने सबसे पहले ट्रैगर को फेल किया, जैमर लेके आया। जैमर लाने वाला कराची के अंदर सबसे पहला जो ग्रुप है वो जीआर ग्रुप है। मुल्लिम शदाद ने पुलिस को मजीद बताया कि हुमा ने अपने ग्रुप में मॉडल टाउन की एक और लड़की अफशा को भी शामिल किया था, जिसके साथ मिलकर भी हमने कई गाड़ियां छीनी। मैं नहीं लेके जाऊंगा, बकवास नहीं करना। नहीं तो कहा क्यों था? आपने कहा था बस मैंने जाना है, मैंने कहा है मैंने जाना है और आज जाना है। आप रोज कहते हैं ऑफिस की गाड़ी आएगी तो मैं लेके जाऊंगा, फिर लेके नहीं जाते। आपने कहा क्यों था? आपने कहा था ना, आपने कहा था मुझे नहीं, मैंने जाना है, फिर आप मत कर। इस तरह क्यों लड़ रहे हो? क्या मसला है? तू हट जा भाई, ये कह रही है मुझे गाड़ी में शेयर करा। लड़ क्यों रहे हो? खैर तो है, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या मसला हुआ भाई? क्या हुआ? आपस में लड़ रहे हैं? मैंने क्या हुआ? क्या हुआ भाई? ये कह रही है कि मुझे जो है गाड़ी में शेयर कराओ। ये मुझे कब से कह रहे हैं? मैं घुमाने लेके जाऊंगा, अब नहीं लेके जा रहा। तो लेके जाओ ना, कहाँ से लाऊं गाड़ी यार? चल भाई चाबी ले, इसकी ले लो ना चाबी, ले गाड़ी। क्यों भाई? गाड़ी चल इधर। अबे क्या हो गया? मुल्ज़िमान के मुताबिक इस तरह हफ्ते में एक दो गाड़ियां छीनना उनके लिए अब कोई मसला नहीं रहा था। हुमा ने इसी दौरान गुरु में एक जियार नामी शख्स को भी शामिल किया और उसके साथ मिलकर औरंगी टाउन में एक 6,000 रुपए महीने पर गोदाम भी किराए पर लिया। इस तरह छीनी हुई गाड़ियों को नाजमाबाद में ट्रैकर नकारा बनाने के बाद इस गोदाम में शिफ्ट किया जाता और कुछ गाड़ियों को पुर्जे खोल कर और कुछ को ऐसे ही बलूचिस्तान स्मगल कर दिया जाता था। हाँ भाई, कितना काम रह गया? 50 दफा तुम लोगों को समझाया है मैंने कि नंबर प्लेट सबसे पहले चेंज किया करो। ये बात याद रखना, मेरी यहीं से पकड़ाई होती है सबसे पहले। मेरी बस सुई है दरवाजे पे। अरसा हो गया तुम लोग को मेरे साथ काम करते हुए, अभी तक तुम लोग को इतनी अकल नहीं आई यार। सबसे पहले नंबर प्लेट, उसके बाद इंजन नंबर वगैरह सब चेंज किया करो। चल माल उड़ा के दे। जल्दी माल तो अच्छा लाया। पहले कभी बुरा लाए क्या? अबे मोयना छोड़ो, काम शुरू कराओ। बैठो तुम लोग। चलो सिलेंडर इस गाड़ी पे लग, ये ले शायद, जल्दी फटाफट। काम में कोई मजा नहीं आ रहा। तू कोई वैसी बोतल तो पिलाएगा नहीं हमें, तो कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह ही पिला देना। इससे घटिया ही बात करना तू। बोल क्या पिएगा? नहीं नहीं नहीं, हमारा कुछ नहीं है भाई, हमारा कुछ नहीं है। मैडम उमा से पूछ ये क्या लेंगी। लो तेरे पे रख दी, खुद को खारिश लगी हुई है। और जिस दिन मैंने रख दी ना पे तो चीख उठेगा। अबे मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम ऐवें ही दिल पे ले गई। दिल दिल तो उसी दिन निकाल के फेंक दिया था जिस दिन इस धंधे में आई थी। और बाकी रही मजाक की बात, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तेरी तो चल छोड़ ना, तू भी किसके मुंह लग रही है। काम की बात सुन। चल बता। पार्टी का फोन आया था, आते ही होंगे वो लोग।
अच्छा है, आ जाए, माल भी काफी जमा हो गया और पैसे भी चाहिए। तुम्हें तो हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है, पता नहीं तेरे पैसे जाते कहाँ हैं। लगता है वो लोग आ गए, तुम लोग बैठो, मैं देखता हूँ। हाँ जाहिद, सब ओके है ना? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हां बोलो बादशाह, कहला क्या हाल है? कह रहे खैरियत बाबा, जो रगड़ा आला बाबा, खैर खैरियत। चेक करिए दो नए माल है, देख ये माल है। हां लेने आया है जो माल इतना चेक कर रहे? आगे भी हम लोग को जवाब देना पड़ता है ना यार, बस यही माल है। नहीं, पूरी कराची लूट के ले जा। बलोच, अभी जो माल पड़ा है ना वो लेके जा, बाकी माल भी तुझे मिल जाएगा। उठाएंगे क्या देगा सबका? जैसा पहले देते थे वही देंगे। वो कम है, पैसे बढ़ा। तुम क्या लेगा? 50 बढ़ाकर। हम 1,00,000 देगा, लेकिन माल हमारा ठिकाने में पहुंचना चाहिए। नहीं बलोच, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है माल देना, तुम्हारा काम है माल को लेके जाना यहाँ से। आपको क्या पता हम लोगों को कितनों को मुंह देना पड़ता है। अच्छा, कब उठाएगा माल? उठाएगा, 1 हफ्ता लगेगा। जल्दी उठा, हमारे पास जगह नहीं है। ले जाएगा, फिक्र नहीं करो। चाय माय नहीं पिलाएगा हम लोगों को? इतना बड़ा मेहमान आया हुआ है तुम्हारा यार, कमाल कर रहा है। माल तो होता रहेगा अपना जगह में, मेहमान का खिदमतकारी करो हम लोगों का। मुल्ज़िम शहज़ाद के मुताबिक अब तक उनका गुरोह 40 से ज़ायद गाड़ियां छीनकर फरोख कर चुका है और उनका गुरोह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 15 साल से वारदातें कर रहा है। मुल्ज़िम शहज़ाद ने बताया कि उनका तरीक़ा वारदात ये होता था कि वो गोदाम में ही गाड़ियों का सौदा करते थे और बलोचिस्तान गाड़ियों को स्मगल करना उनकी जिम्मेदारी नहीं होती थी। सौदा तय होने के बाद उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती थी और इससे जो आमदनी मौसूल होती थी वो तमाम लोगों में बराबर की बांट दी जाती थी। तमाम काम ठीक ठीक चल रहा था और हर वारदात के लिए नए तरीके सोचे जाते थे। ताहम मई 2011 में छीनी गई गाड़ी उनके लिए वबाले जान बन गई। क्या यार, आज तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है, सब मंदा पड़ा हुआ है। शिकारी शिकार करने निकले और खाली चला जाए, ये हो नहीं सकता। गली में ले ले। शिकार मिल गए, तुम आगे जाके रोको और निकलो यहाँ से, मैं देखती हूँ उसे। हाँ ठीक है, इधर उधर देखभाल कर। अब्बा जी, क्या हुआ? मेरी तबीयत खराब है बेटा, सांस फूल रही है। कहाँ जाना है? मेरा 2 गली आगे घर। अच्छा, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं छोड़ दूँ आपको, मैं भी वहीं जा रही हूँ। प्लीज, मैं आपको छोड़ देती हूँ। अच्छा, जोड़ों में दर्द रहता है? जी नहीं, मेरा सांस बहुत ज़्यादा देर नहीं लगा दी। जी बोलिए। इस थोड़ी सी हेल्प कर दे हमारी। जी जरूर आइए, क्या बात है? अब्बा जी की तबीयत बहुत खराब है। चलिए मैम, आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आ जाइए। वाली गली? जी ओके, जरूर। अरे आगे आगे।
बाबा जी अब तबीयत बेहतर है? हिलना मत, उड़ा के रख दूंगी। कौन हो तुम लोग? चले बुढ़े उधर उधर निकल निकल बात नीचे उतर कौन हो तुम लोग? जा बैठ नीचे बैठ बैठ नीचे नीचे बैठ तो बोली बहुत अच्छी हुई है। हाँ माल भी अच्छा है और दाम भी अच्छे मिलेंगे। तुम लोग लमसम का सौदा कर देते हो ना, असल मलाई तो वो खा जाते हैं। तो क्या करूँ, डब्बे में बंद कर दूँ? इतनी बड़ी गाड़ी है, कहाँ छुपाऊँ? जितने पैसे वो देते हैं ना, अगर हम हिस्से करके माल बेचे ना, इससे कहीं ज्यादा हमें मिले। इसके लिए गोदाम की जरूरत नहीं है, इसके लिए पूरी वर्कशॉप चाहिए। और बात सुन, जो तेरा काम है ना तू वो करता रहे। बातें करना बहुत आसान है, गहराई का अंदाजा तब होता है ना जब बंदा पानी में उतरता है। और जिस तरह काम चल रहा है ना, चलने दो। तुम्हें समझाना ही बेकार है, जो तुम्हारा दिल में आए ना वो ही करो, समझी ना? फायदे की बात ही तुम्हारी समझ में नहीं आती। फायदे को छोड़, सामने देख शिकरे खड़े हैं। अरे शिट, यहाँ तो मुड़ने की जगह नहीं है। अच्छा फिक्र मत कर, आंखें बंद करो और निकल। अच्छा तू शीशा चढ़ा, जल्दी कर। तू शीशा चढ़ा, जल्दी कर। चोरों के साइड पे लगाए इसको, राइट पे लगाओ, राइट पे लगाओ, यहाँ पे राइट पे लगाओ। निकल निकल निकल, रोको रोको, निकल गाड़ी निकल, आजा 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 इधर आजा, आप भागो भागो, जल्दी बैठो बैठो, जल्दी बैठो, आजा जल्दी आजा। चलो क्या गाड़ी के भी चलो, गाड़ी के लिए भी चलो, लो गाड़ी निकल 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 निकल। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान हुमा और शहजाद की निशानदेही पर औरंगी टाउन में उस गोदाम पर छापा मारा जिसकी निशानदेही उन्होंने की थी और वहां से 8 मसूखा गाड़ियां बरामद करके वहीं से दर्जनों नंबर प्लेट और गाड़ी की बुकें भी बरामद की। मुल्जिम शहजाद उर्फ मुगल ने मजीद बताया कि वो इससे पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और हर बार छीनी हुई गाड़ियों के कागजात रखवा कर अपनी जमानत करवा लेता था। तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर मंजूर सिद्दीकी के मुताबिक ये कार लिफ्टिंग का बैनुल सूबाई गिरोह है। इसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और इस गिरोह के चंद अरकान गिरफ्तार होने के बाद इस गिरोह की सरगर्मियां रुक गई हैं। ताहम इस गिरोह में हुमा के साथ कराची की दो और लड़कियां भी शामिल हैं जिनमें मलीर की रिहायशी किरण और माडिल कॉलोनी की अफशां भी शामिल है और पुलिस इन दोनों समेत इनके दीगर साथियों की तलाश में छापे मार रही है और उम्मीद है कि बाकी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खवातीन का दिन मनाने वालों, खवातीन की इस्लाह की भी फिक्र करो, खवातीन के जराइम पर भी नजर करो। मौजरत के साथ, सिर्फ नारा ही उनका लगाते हो तुम, कौन सी राह उनको दिखाते हो तुम, महफिले मजलिसे ही सजाते हो तुम, होटलों में करोड़ों लुटाते हो तुम, झूठी बातों से दिल को दुखाते हो क्यों, क्यों खवातीन का दिन मनाते हो तुम।